अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक आप सबको, और मैं बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स एक्चुअली बिन 2 मंथ्स। मुझे बस टाइम नहीं मिल सका कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू ऑल्सो प्रे फॉर मी। सेकेंडली ये कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, काफ़ी ज़्यादा सवाल थे जो लोगों ने पूछे, लेकिन मैं प्रॉपरली उनका सही वक्त पर रिस्पॉन्स नहीं दे सकी। बट आई ट्राइड कि मैं उनको एटलीस्ट मैसेज के थ्रू रिस्पांस दे दूं जितनी बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आज कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को कवर करें। और बेसिकली मैं अपने कमेंट्स देख रही थी, तो वहाँ पे जो मैंने सर्विक्स जी से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की थी, वहाँ पे ये साहब मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि उनको हेपेटाइटिस का इशू है, तो क्या वो सर्विक्स ले सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो आज थोड़ी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अच्छा जी, तो अगर आपको हेपेटाइटिस का मसला है जिसमें बेसिकली हमारा लिवर इफेक्ट होता है, अगर आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, जिगर में गर्मी हो जाती है, या अमूमन तौर पे लिवर सरोसिस भी इस तरह के मरीजों में देखा जाता है जहाँ पे बिल्कुल लिवर आपका डैमेज हो जाता है, तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में भी हमें रिक्वायर्ड होता है कि मल्टी वाइटामिन की अमाउंट हम अपनी बॉडी में पूरी करें। तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि फिर आप सर्विक्स जी ना लें, ठीक है? और भी मल्टी वाइटामिन हमारी मार्केट में मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली ऐसे मरीजों के लिए जिनको कोई लिवर रिलेटेड इशू हो। तो अगर आपको हेपेटाइटिस है, अगर आपको जॉन्डस है, अगर आपको कोई लिवर सरोसिस लिवर का मसला है, या जिगर में गर्मी हो जाती है, तो उसके लिए एक बहुत बहुत अच्छा मल्टी वाइटामिन है, और ये भी एबर्ट ही कंपनी का है। इसका नाम है सिल्वर। इसमें मौजूद है सिलमारन, जो कि एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक प्लांट से लिया जाता है, मिल्क थिसल जिसका नाम है, और जो कि बहुत बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लिया जाता है। तो इसकी वजह से इससे होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत कम है या बहुत कॉमन से है, जैसे आपको नौजिया हो सकता है या पेट का अक्सर ख़राब हो जाना, जो कि हम देखते हैं कि कोई भी मल्टी वाइटामिन अगर हम लेते हैं हमें सूट नहीं करती तो हमारा स्टमक थोड़े टाइम के लिए अपसेट हो जाता है। तो इस तरह के कॉमनली साइड इफेक्ट्स इससे देखे जा सकते हैं, कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट इससे आपको नज़र में नहीं आएगा। सेकेंडली ये कि अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो बेसिकली 200 mg की टैबलेट आती है और चीप है, एबर्ट कंपनी की है, 360-370 की ये टैबलेट्स हैं। इसकी डिब्बी आप एक दफ़ा ले लें और एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, 3 महीनों के लिए। अच्छा जी, लेने का तरीका क्या है कि बेहतर यह है कि आप खाने से पहले ले लीजिए खाली मैदे के साथ। क्यों? क्योंकि ये दवाई बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है, सीधा आपके लिवर में जाएगी और बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगी। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, इसका ये मतलब कि अगर आपको अक्सर अमूमन तौर पे दवाइयाँ लेने से रिएक्शन हो जाता है या मल्टीवाइटामिन सूट नहीं करते, आपका मैदा ख़राब हो जाता है, उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो बेहतर है कि फिर आप इसको खाने के बाद ले लीजिए, आधे घंटे का वक्फा रख लें। तो होपफुली आप इसको लेके देखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में मैं ये ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ कि इस तरह के तमाम मरीज जिनको कोई ऐसा बड़ा कोई इशू होता है, लिवर रिलेटेड कोई ज़्यादा बड़ा मसला है, तो पहले अपने प्रॉपरली टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर को चेक करवाइए, एंड देन आफ्टर उसके बाद जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो लें। बट इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें, जिगर की गर्मी हो जाए तो फिर लिवर रिलेटेड आपको कोई ऐसे मसले हैं तो फिर आप इस मेडिसिन को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत अच्छा मल्टीवाइटामिन है, अफोर्डेबल है, और इसके साथ ही बहुत जल्दी अपने इफेक्ट्स दिखाता है। तो इसको इस्तेमाल करिए, मुझे भी बताएं कि आपको क्या इससे फ़र्क महसूस होता है। अगर आपको कोई इशू होता है, कोई और मजीद सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछें। होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि सही वक्त पर उसका जवाब दे सकूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।